जुड़ो, सारे जपो, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। खोल के खोल के वाहिगुरु 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 बोलो जोड़ो ते सिर नवाओ गुरु ग्रंथ साहब अगे ये तो कह सारे पढ़ो डंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ सर्व कला सर्वकला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हत तरला पाओ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हाथ फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए अगम अगोचर सच साहिब मेरा नानक बोले
लाया तेरा। तन गुरु ग्रंथ साहिब पिताजी नानक बोले बुलाया तेरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे दिन वे थले नू क्यों कर लिया मूह मेरी अखा च खड़ा। अज दे दिन सृष्टि दे उत्ते एक ऐसा सूरज चढ़िया जिन्हें बड़े लोगों नू रोशन किया। कख वाहिगुरु आवाज आ रही ठीक भैनो बचियो तुहानू हुण इधर उधर ना वेखियो टिक के सुनियो। कुछ क्या वा भी अज दे दिन इस सृष्टि ते कैसा सूरज चढ़िया 24 तरीक जड़ी जिन्हें बड़े लोगों नू रोशन वंडिया ओदा नाम सी भगत रविदास। आखो वाहिगुरु। गुरु नानक साहब ते भगतां विच कहती मन दे कोल विच आण के फर्क ना समझना। जिन्हां नू जगह एक जगह ते मिली आ जिन्हां दी सोच एक आ जिन्हां दा मकसद एक आ कि खलकत नू रब नाल जोड़ना। आखो वाहिगुरु। तुसी समझ ली है जी तुहानू कहिंदा जिन्हां दाढ़ी बद्धी ये गल समझ ली। पीर रविदास का भी मकसद एक आ भी मनुखता रब नाल जुड़े। साहिब गुरु नानक साहब का भी मकसद एक आ भी मनुखता रब नाल जुड़े। बाहर दी चमड़ी वेखण वाले ने आख्या नहीं ये तो चमार आ। यह जिहड़ा साडा सिस्टम है सृष्टि का इस सिस्टम ने हमेशा शरीर पौधे नूं थोड़ा जिहा ठीक कर पहले वाली जगह पर इस सिस्टम ने हमेशा ही शरीर नूं वेख्या उपदेश नूं नहीं वेख्या। आखो वाहिगुरु। की क्या मैं भला मेरे वाल वेखो की मैं कह रहा भला पता है पुता आए तो करो मेरी धी गुरु की उपदेश सुन ना पूरे गुरका सुन उपदेश सुनना है ना। बदला लो पर पाटे ना इनी कृपा करें। मेरा कहने का मकसद से भी सारियां दा भगतां दा संत जनां दा ये मकसद हुंदा है भी इस सृष्टि नूं टुटी हुई नूं परम तत् परमेश्वर दे नाल जोड़ना ते उहदे विच इक अहम रोल आ तुम्हें भजा ही फिरदा गोल पग वाला टिको वेखो केड़ी जगह ते लिया के तुसी प्रकाशमान किया जिथे कोई एकाग्रता नहीं हैगी। पिछों ट्रैफिक का शोर आ इधरों असी भजे फिरते हैं। अपने गुरु प्रति इन्ना सत्कार रखो ये छोटा जिहा गुरु नहीं इस गुरु के आने वाली जगह वक्री इस गुरु का सत्कार वक्रा। पाटे ना आवाज पई। आखो हे गुरु। मैं फिर एक बार तुहाडा मन एकाग्र करन नूं तुहानूं कहिंदा चौंकड़े मार के गोडियां ते हथ रखो। ये छोटी मोटी हस्ती नहीं ये प्रतख सतगुरु ने। आखो वाहिगुरु। मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जूंदे ने जागदे ने सुनदे ने वेखदे ने। एकाग्रता बनाओ जिन्हां घड़ियां मैनू मिलियां इन्हां घड़ियां च कोशिश करिए कितें भज्जा फिरदा मन एक जगह ते टिके। आखो वाहिगुरु।
ये भजा फिरता मन एक जगह ते किते अरदास करो, विचार बंद हो जाने, थोड़ा जा इन मन नूं होर समझाउण नूं वाहिगुरु का नाम जपो तां वी जुड़ सकीए। जिस काम नूं असीं इत्थे अपने घरां बारां दे काम छड के आए हां, वह मेरी रूह सुकून लै सके, आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं सतगुरु दे सामने आण के मेरी रूह सुकून दे नाल एक बार प्रफुल्लित होके आखे आनंद आ गया, गुरु दे सामने बह के आखे आनंद आ गया। कीर्तन सुनिया सी बख्शनहार बख्श ले नानक पार उतार, ये शब्द मैनू आनंद देन। जिहड़े रविदास जी दे बोल करन लगा वा, वह रविदास दे बोल सानू जीवन देन। मारो चौंकड़े, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है अमृतसर साहब वासीओ, दुनिया भर तों लोकी इस धरती की चरण धूड़ लैण आउंदे ने। जित नाते कौआ हंसोए, बोलो ना जित नाते कौआ, उस सृष्टि से बैठे हो, इस धरती से बैठे हो जिदे बारे गुरु रामदास पातशाह ने, गुरु नानक साहब ने गुरु ग्रंथ साहब दे विच बेंत बेंत शब्दां नाल वड्याई कीती। इस धरती दी संत सरोवर नावे, सो जन परमगत पावे, मरे ना आवे जाई, बाबा नानक प्रभ सरनाई, राम दास सरोवर नाते, सब उतरे पाप निर्मल होए कर, गुरपूरे किन्ने हौली बोल दियो। अमृतसर साहब वाले अंदर अपने उत्साह बनाओ, तुहाडा सतगुरु सामने बैठा, तुहाडा ते मेरा सतगुरु सामने प्रतख परमाश प्रकाशमान बैठे। गोड्यां ते हाथ रखो मेरिया तियां, रब नू याद करो भी असीं बैठे कित्थे आ, गुरु की हजूरी च बैठे हाँ। आओ वाहिगुरु वाहिगुरु वाह, गुंजा पा दो हां, खोल के खोल के सतनाम श्री वाहिगुरु। मन नूं टिकाओ च लियाओ तुसी, दो चार सिंह जिहड़े मेरी एकाग्रता तां बननी जे तुसी एकाग्र हो। लफाफे ना मिला लेना देना कुछ नहीं, ना मैं पैसे लेना ते ना मेरी कोई डिमांड, भुख आ भी मनुखता रब नाल जुड़े। ये जिहड़ा परमेश्वर का हरका बागरा उजड़ रहा है, इहदे च कुछ बूटे हरे रह जाण, ये भावना समझ रहे। ये जिहड़ी मनुखता दे बूटे सुक रहे ने अमृतसर साहब की धरती ते रह के भी सुक रहे ने, इन्ना गुरु दे कोल रह के इन्ना प्रकाश कोल रह के भी नेरेज ने, इन्हां नूं शब्द का चानन मिले। ये अपना जीवन शब्द की रोशनी च जीण, पैन पता लग रहा ना, गुरु की जरूरी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि सुत भजी फिरती है तो सुन कौन रहा है। तगड़ी हो मेरी धी, गुरु गोबिंद सिंह साहब के बच्चे हो, अपने मन नूं एकाग्र करो, एकाग्र होया मीह पैना है,
ਤੁਸੀਂ ਟੂਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਠੁੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਟੂਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਠੁੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਰ ਜੂਗਾ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਇਤਨਾ ਕਰੋ, ਇਤਨਾ ਇਤਨਾ ਠੁੱਲਾ ਟੂਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਭਰ ਜੂ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰੂਗਾ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਕੀ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਿਲਾਰੋ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹ ਥੋਟਲੈਸ ਨੇ, ਥੋਟਲੈਸ ਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਰੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਥੋਟਲੈਸ ਸੋਚਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦੂੰ। ਮਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ਼ਰਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ ਤੇ ਭਜਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਨਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੋ, ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਿਲਾਰਨਾ, ਉਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ। ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੇਊਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲੋ ਤੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ, ਜਿਤਨਾ ਖਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਇਤਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਸੁਣੋ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇਣੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਇਹ ਸੀ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਕੁਦਰਤ ਕੇ, ਫਿਰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਏਕ ਪਿਤਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਹੀ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਲਿਆਓ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ, ਆਖੋ ਹੇ ਗੁਰੂ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੋਚੀ ਜਾਓਗੇ, ਸਮਝ ਲਓਗੇ, ਇੱਕ ਉਸ ਬਾਗ ਚ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੱਟ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਦਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਭਈ, ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ, ਕੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ, ਖੇਲ 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 ਖੇਲਣ ਅੰਤ ਕੋ, ਇੱਕ ਹੀ ਜੋਤ ਜਾਗਰੀ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਇਸਦੇ ਚਾਨਣ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਜੋਤ ਜਾਗਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ ਬਾਲਕ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਦੁਮਾਲੇ ਬਣਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਆ ਬਣ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਫੱਦੇ ਬੁਲਾਓ, ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲੇ ਸਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫੱਦੇ ਬੁਲਾਓ। ਬੈਠ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੇਂਜਿੰਗ ਲਿਆਉਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਣ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਛੋਟਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਚੰਗੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਉਂ। ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ
नॉन मुसलमाना घोड़ी ते नहीं चढ़ सकता। बैठ जाओ भैया, बच्चा की कर दो, बैठ जाओ। एक घोड़ी ते नाल बोलो, मैनू आनंद आवे। एक घोड़ी ते मैं काबल तो घोड़े लिया, उन्हें काबल तो सोहनी नस्ल के घोड़िया उत्ते इन्हों गरीबा चढ़ा। इस मनुखता ने गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह का, भगत रविदास का, भगत कबीर जी का, भगत नामदेव का, कोई जो ना परोपकार किया उन्हें जानिया नहीं। इन्हों के नवे नवे लोगों के भगवान बन गए, नवे नवे बाबे बन गए, नवे नवे इन्हे अस्थान बन गए। कितने ये हुंदा अमृतसर की धरती के उत्ते जिथे गुरु रामदास का घर सी, कलौनिया दे विच होर कोई जगह ना कबरां ते दीवे ना जगदे, भगत रविदास का एक घर हुंदा जिथे तुसी भगत रविदास नूं सुणदे। एक घर कित्थे चले गए, एक घर कबीर जी का हुंदा जिथे स्पीकर विच बाबे कबीर की अमृत बाणी गूंजदी सुनदे हुण। कितने मैनूं दसो, आ जिन्नियां मेरियां भैणां बैठियां, कदी किसे इलाके किसे तुहाडी कलोनी दे विच कबीर जी का हुक्म अंदर है? योजनाबंद तरीके नाल वह आवाज दबाती जिहड़ी आवाज ने क्रांति लियाउणी सी। पता लग रहा जी, एक प्री प्लैन सिस्टम दे सिरज दिता गया, वह आवाज गवाती जिहड़ी आवाज मेरे गुरु ग्रंथ साहब नाल रलदी सी। कबीर भी कहिंदा ही एक आ, रविदास भी कहिंदा एक आ, नामदेव भी कहिंदा सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं। अकाल पुरख तो बिना दूसरी जोत नहीं हैगी। उस आवाज तो सुल्तान मिंड की तो मैं गल ही छड़ा, अख वाहगुरु सारी अमृतसर साहब की धरती, सारी पंजाब की धरती, सारे भारत की धरती के उत्ते दबा दिता गया जिहड़ी आवाज कहिंदी सी अवल अल्लाह नूर अपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले। जिहड़ी आवाज कहिंदी एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा बुराई, इस आवाज नूं तुसी दसो जी सियाने दो बैठे हो दबा दिता गया कि नहीं? अमृतसर साहब की धरती से कबीर जी की बाणी गूंजदी एक दरबार साहब तो बिना, बोलो होना नहीं सी चाहिदा? हर इलाके दे विच एक एक स्थान भी लोग कबीर नूं सुनदे। वो मैं दसन लगा सां भी राजस्थान दे विच एक लाड़ा बेचारा घोड़ी से चढ़ गया, उन्हें चपेड़ा मार के थले लाया, बीबीओ सुन रही है तो यो बचियो आवाज नहीं देनी है, सुन रही है जे। राजस्थान दे विच एक जिन्हों शड्यूल कास्ट लोग कहिंदे उन्हां दा नौजवान बच्चा घोड़ी से चढ़िया ते उच्ची जात वाले ने चपेड़ा मार के घोड़ी तो ला लिया, तेनू राइट किस तरह घोड़ी से चढ़न दा? जे कोई मंदिर विच जांदा है छोटी जात वाला जिन्हों लोकी कहिंदे, मैं नहीं कहिंदा ना मेरा गुरु कहिंदा, आखो वाहिगुरु मैं की कहा ना, मैं कहना तुसी भी कहो ना, मैं कहना ना मेरा मेरा गुरु कहिंदा। साडियां अखां च कोई जात है ही नहीं, असी सब एक मालक दे बंदे हां, असी एक मालक नूं पूजण वाले हां, एक ही जपण वाले हां, एक दी पूजा करन वाले हां। उन्हें चपेड़ मार के घोड़े तो ला के पहले दिन जिहड़ा अपनी घरवाली नूं लैके आया ते पहले दिन उहदी औरत दे सामने उहदी बेइज्जती करती, वह इंसान जिंदगी कितना कट्टू। यह समाज की पीड़ा है, जिस पीड़ा विच क्रांति दिओ, जिस पीड़ा विच क्रांति लियाउण नूं भगत रविदास वारियां दा इत्थे आगमन होया, तुहानूं लख लख वधाइयां। भगत रविदास जी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, वड्डी वड्डा होर कोहर पाप यह होया भी उन्हां दी कम्यूनिटी ने उन्हूं मान लिया भी यह साडा गुरु आ। आखो वाहिगुरु, उच्ची जी बोल दे, यह समझी गल कि तुसीं भज्जे फिरदे विच्चों
रविदास की कम्यूनिटी जिन्हों केंद्र चमार जाति जिन्हों केंद्र उन्होंने मान लिया भी रविदास साडा है। तुसी दसो फुल भी किसी का कदी हुंदा है? हक वाहिगुरु की क्या मैं फुल भी कदी किसी की मालकियत है? फुल नूं तुसी अपने घर च ते ला सकते हो, अपने घर च ला सकते हो ते ये कह सकते हो साडे घर खड़े है, उहदी खुशबू ते तुसी मालकियत नहीं बना सकते। जिहड़ी उहदे विचों खुशबू उठ रही उन्हें सारिया दीवारा तो उत्ते होके सारे संसार च फैल जाना है। रविदास के घर रविदास चमारा के घर पैदा होके चमारा के घर का नहीं रहा, वह सारी सृष्टि का बन गया। पता लग रहा जी गुरु के सिखो कोई तो बच्ची बच्चा पढ़ समझे हो गए जो मैं कहना चाह रहा। आख वाहेगुरु गज के बोलो रविदास जी का अज आगमन है। इस सोच नू बदलनू रविदास आया सृष्टि दे उते ते बड़ी विवेकता नाल बोलिया दुनिया के लोगों तुहाडे नालों ते मेरा ते तुहाडा वखरेवा इत्थे है। तुसी उस दुनिया च जींदे हो जिथे गम है गे की गम मिन हैगे आ जिन्ना समाज दे विच तुसी रह रहे हो इत्थे गम भी है इत्थे पीड़ा भी है इत्थे झगड़े भी ने इत्थे कलेश भी ने। रविदास कहिंदा मेरा एक शहर इस तरह का है केड़ा बेगमपुरा पढ़ते नहीं आ तुहाडे लागे रहिंदे भाई मनजीत सिंह भाई जसवंत सिंह साहब दे भाई ये दो भरा ने श्रोमणी रागी अख वाहेगुरु ए ताडी धरती ते ही रहिंदे सुल्तान मंडी रहिंदे किते उन्हां दी गाई होई ए रबाई शब्द सुनियो बेगमपुरा शहर को ना ना तो तुसी प्यार कीता उस गल नाल भी कोई शहर इस तरह दा जिथे कोई गम नहीं। अमृतसर अपनी जगह ते मुबारक आ, लाहौर शहर जैर कैर अमृतसर सिफती का घर सिफती के घर वाले भी उदास बैठे है। जिदे बारे गुरु रामदास पातशाह की कृपा न लिखा वा अमृतसर सतगुर सतवादी इतने जेडे लोग रेंदे ने की रेंदे ने सतवादी लोग रेंदे रूप बदल गया समय ने मार मारती। आखो वाहेगुरु समय ने मार मारती इत्थे भी मेरे वर्गे झूठे रहन लग पे। बाणी ये गल फरमाउंदी आ कि इस शहर च रहन वाले सतवादी लोग ने, तुहाडा नां लोगों ने पा दिता अतवादी। तुसी कह ना सके असी अतवादी नहीं, साडे गुरु नूं पुछो असी कौन, साडे गुरु कोलों साडी आइडेंटिटी पुछो भी अमृतसर साहब च रहन वाले कौन है अतवादी के सतवादी। अज भी असी सारी मनुखता लई 2.5 लाख प्राणी नूं रोज दा लंगर छकाउने अतवादी कितना। आखो वाहिगुरु अज भी बेअंत लोग इत्थे मत्था टेकण आउंदे उहनां नूं रहण नूं जगह मिलदी उहनां नूं पवित्रता मिलदी। आखो वाहिगुरु मगर रविदास कहिंदा सी मैं उस शहर दा वासी बन गया जिस शहर च कोई गम नहीं। जे तुसी सारे एक बार गज के बोलो बेगमपुरा शहर को नाओ शहर को, जिहड़े लोको शहर च मैं रहिंदा जिहड़ी अवस्था ते मैं पहुंच गया उत्थे कोई गम नहीं है, दुख अंधे नहीं ते ठाओ। जेडे शहर च मैं रहिंदा भगत रविदास कहिंदे उस शहर विच कोई दुख नहीं, उत्थे कदी हनेरा होया ही नहीं, उत्थे कदी बत्ती गई नहीं,
24 घंटे प्रकाश वाले शहर च मैं रहना भगत रविदास कहना जिन्हों का अज आगमन है। एक सिद्ध होर दसदा कहिंदा जिहड़ी अवस्था च मैं चले गया ना तस्वीस बाणी आउंदी सी ना तस्वीस तस्वीस हुंदा तवदीश जिहड़े अवस्था च मैं बह गया इत्थे किसे दी कोई तवदीश नहीं हुंदी फ्री हो गए सारे ना तस्वीस खिराज खिराज मैं हुंदा डन जिहड़ी अवस्था च मैं चले गया जिहड़े जिहड़े लोग उस अवस्था चले गए उहनां नूं जमा दा कोई डन नहीं लगदा ना तस्वीस खिराज ना माल खौफ डर नहीं उत्थे हैगा खता उत्थे को गुनाह करदा ही नहीं ना तरस जवाल ना उत्थे को किसे ते तरस करदा है सारे एक समान रहन वाले ने ऐसी नगरी दा राजा सी भगत रविदास जिन्हां दा अज आगमन है। किते तुसी बाणी भगत रविदास जी दी पढ़ के वेखो अख वेख लो जे ते मत्था टेकना ते ओ कहानी वखरी गावो सुनो पढ़ो नित भाई आली अवस्था नहीं बनाउणी ओ तुहाडी मर्जी। वैसे गुरु ने कैसे प्रभ बाणी शब्द सुपाख्या बोलो हमला प्रभ बाणी शब्द सुपाख्या परमेश्वर ने जिहड़ा बाणी च शब्द सुपाख्या मैंने आख्या सोहना बोल बोलिया भाख्या मैंने बोली अगे ससा लग गया सोहनी बोली जिहड़ी बोली आ इहनू केवल मत्था टेक के रुपइयां दा ढेर ला के रुमाले चढ़ा के चल देना कोई होर वी कोई कहानी है बोलो ना गुरु के सुख तू धीए दस दमाले वाली केवल आन के इथे रुपये सुट के मत्था टेक के रुमाला साहब चढ़ा के चलना के कोई होर भी स्टोरी इथे इनू गाओ सुनो पढ़ो नित भाई महाराज असी रुमाले चढ़ाते रहे असी सोने के छब्बे चढ़ाते रहे समझ भी रहे हो मन टिकया है एवें ना सिर लाउण जे नहीं टिकया तो होर भी कोई दवाई है वह खवाधी जा सकती जे तो किसी की सर्जरी करनी हो जे वह सर्जरी करद्या करद्या थोड़ा जो शरीर हिला है तो इंजैक्शन डॉक्टर होर देंदा है इन दर्द ना हो जिहड़ी इह सच दी बाणी दा इंजैक्शन लग रहा ना इहदे लई तुहानूं बेहोश होना जरूरी आ एक इंजैक्शन फिर देना वाहिगुरु वाह खुल के वाहिगुरु 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 वाह मैनू दिल्ली बंबे लुधियाने वाला आनंद नहीं जे आ जा आ रहा जे खुल के बोलो हां हां वाहिगुरु 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 वाह तो नहीं चला जाओ गुरु वाहिगुरु 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 वाह हां वाहिगुरु 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 हां पिछो तक जेडे लाइन च लगे हो भी वाहिगुरु 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 चढ़दी कलम च बोलो वाहिगुरु 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 सतनाम श्री वाहे शहर की चंगी तरह तस्वीर वेखो ना तस्वीस खिराज ना माल खौफ ना खता
ना तरस जवाल। बड़ी कितने उच्ची अवस्था जाके कहते ऊहां ऊहां मैंने मेरे शहर च खैर सदा मेरे भाई। बोलो भला फिर बोलो मेरे शहर च सदा ही खैर रही उत्थे कदी खैर हुंदा ही नहीं। जिस अवस्था च रविदास कहिंदा मैं गया मैं कहा रविदास जी अज उन्हां दा आगमन है तुहानूं लख लख वधाइयां। 24 तरीक नोट करो भगत रविदास जी का आगमन है। आखो वाहिगुरु 24 है ना भगत रविदास जी रब की कथा करिए। भगत रविदास कहिंदा कह रविदास अकथ कथा उहदी मालक की कथा अकथ है। मूंह तो कोई कथन नहीं कर सकता उहदी कथा नूं अकाल पुरख दी। कह रविदास अकथ कथा बहु काहे करीजे। मेरे वर्गे ज्ञानी जिन्ने बालोगे ना कथा करनगे। एक तो एक आऊगा दूसरा आऊगा तीसरा आऊगा बड़ा कुछ कहणगे। रविदास कहिंदा रब बारे की कहोगे। अकथ है अकथ क्यों कथिया जाए। बोलो भला जे कदी नाल नाल बोलदे बोलदे तुहानू ओ फील हो रहा होवे जो मैं कहना चाहुंना चश्मे वाले पुत्र जे तुहानू ओ फील हो रहा होवे जो मैं कहना चाहुंना भी रब बारे तुसीं की कह लोगे। आखो वाहिगुरु व्यापक चीज बारे तुहाडी जीभ की कह लूगी। जिहदी सीमा कोई नहीं उहदे बारे तुहाडे बोल की बोलणगे। रविदास कहिंदा कह रविदास अकथ कथा बहु काए करीजे। बहुती क्यों कर दे रब दी। एक गल च छुट्टो एक गल च छुट जो आखे जो केड़ी जैसा तू तैसा तू ही नहीं बदल जैसा अगे तैसा तू ही। जे ते तेरे बराबर कोई होवे ते मैं तेरी कथा करा भी तू इतना दा ते वो इतना दा नहीं लगा पता जी न्याय सुन पता लगा की तेरी मैं कथा करा। कथा तो ता करा जे मैं कहा भी आ न्याय सुन इनिया बाणिया चेते आनिया ते एस दूसरे नू इनिया दो गए ये कथा बन सकती। एक दी गल करके दूसरे नू उहदे बराबर ते खिलार के कथा बन सकती। मगर हे अकाल पुरख जी तेरी कथा मैं की करा। क्योंकड़ी बड़े लोग मैनू कहिंदे बाबा तू तो काम कार को करदा नहीं ते तू सारे नू कहना लक सीधा करके बैठो लक सीधा करके बैठो ना इत्थे ते बह जाओ टीवी अगे बहिंदे ही हो ना लक सीधा करके उत्थे ते लम्मे पैके टीवी बहिंदे नहीं हाजिर रहो। अकथ कथा बहु काहे करीजे। आख्या फिर की करिए कहिंदे जैसा तू तैसा तू ही कथा खत्म होगी। नहीं पता लगा कथा भूलो नहीं कथा खत्म होगी। तेरे वर्गा होर है कोई नहीं कथा की करा। जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजे। की वड्याई दां की उपमा करा। मैं तकड़ी च पा के ते कुछ तोला भी एक पासे तू है ते दूसरे पासे आवा ते मैं रिजल्ट कड़ा भी तू उच्चा है ते ए नीवा है जद तेरे बराबरी कोई नहीं पावा किनू। ए रविदास कहिंदा तुसी होर शब्द सुनते हो गए भगत रविदास जी का। आखो वाहिगुरु उन्हें शब्दों च भी बड़ा बल है। एक दिन दोवे कट्ठे हो गए रब ते रविदास। आखो वाहिगुरु उच्ची नहीं बोलते मैनू इतना लगता भी तुसी खिंडे पे हो। उच्ची बोलो वाहिगुरु वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। दोवे कट्ठे हो गए सुने हो तुसी दोवे सुन लो। तां भी कहानी बनूंगी दो ही सुन लो। एक दिन रब ते रविदास कट्ठे हो गए।
ते दोवां ने एक दूसरे दी अखा चखा पा के आख्या रब ने कहा किनू रविदास कोई बाजी खेडिए कोई बाजी खेडिए कोई खेड खेडिए ये गतका खेड दे उन्हें भी भगत ने आख्या रब ने ते भगत ने आख्या कोई बाजी खेड लीए ते रविदास जी कहते भी सारा दिन तो मैं जुतियां गंढदा मैं ते वेला नहीं okay. मैं ते सारा दिन जी बोलो किरत सी ओदी रविदास ढवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया लिखिया गुरबाणी दे विच भी चमड़ी का कम करते मैं तो सारा दिन चमड़ी का कम करना मेरे को गेम खेड लई समा है नहीं रब ने आख्या एक बाबे कबीर ने वचन किया भी ज्यो तो साध प्रेम की पाके सेती खेल जिदे नाल खेडना ही वह खिडारी अगे पक्का होना चाहिए नहीं तो गेम खराब होजू तुसी भी गतका खेड दो अनाण बंदे नाल गतका खेडो सोटा खा लोगे क्योंकि उन्हें पता नहीं कितना चलाना है पक्के खिडारी नाल खेडोगे तो तुहानू भी खेडण दा आनंद आऊगा भगत रविदास जी नू रब कहिंदा भी बाजी खेडिए वो कहिंदे मैनू तो शौक कोई नहीं भगत रविदास जी कहिंदे नाले मैं जुतियां कंढ के अपना ढिड भरना है मैं तो वेला है नहीं ते रब नू हस के कहिंदा तू वेला है किसे वेले ना खेड रहा उन्हें अगों आख्या नहीं मैनू भी पता कलयुग दे विच जे कोई खिडारी है उहदा नाम भगत रविदास है हाँ जी जाओ जाओ जे को खिडारी है तो कौन है महसूस करूंगा मैं अमृतसर आने की कथा करूंगा मेरी धीओ सुनो मेरिया बच्चियां जो तुसी खाली आयो खाली जाना ना मेरी हाथ जोड़ के आ वेखो दस्तार वाला सिर तुहाडे पैरां ते रख के बेनती है खाली आयो ते खाली जायो ना कोई एक शब्द ऐसा ले जो जिहड़ा तुहाडी जिंदगी च इनकलाब लिया दे पता लगा जी किनका एक ले जो ते जी च वसा लियो दो कट्ठे होए ने रब ते रविदास जी गल की चली भी गेम खेडिए रविदास ने कहा मेरे को टाइम है नहीं रब ने कहा मेरे नाल थोड़ा जा टाइम पार्टिसिपेट कर ला आपा थोड़ा जा चिर खेड लिए भगत रविदास ने अपने हथियार वगैरह रखे इतना सचेत हो के किते तुसी भी दो मिनट लिए कह दें दे खालसा जी चलो खेडिए सारिया सोचा बंद कर लेंदे हो थॉट बंद कर लेंदे हो तो कहें चलो कथावाचक जी खालसा जी चलो हाँ दो मिनट सुरत नू खेड खिडाइए अपन खेड दे सारे सारे पत्ते सुट दे वाहिगुरु 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 इतना बोलो आवाज गुरु रामदास साहब तक जावे दिल चो बोझो चल जूगी वाहगुरु 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 आखो सतनाम श्री वाहिगुरु हुण थोड़ा जा एकाग्रता बना हुण गल आई पी जे बाजी खेडन लगे हां ते पहला पत्ता कौन सुटे समझदे हो पहला पत्ता साडे विचो कौन सुटे रब ने रविदास नू आख्या भी तू सुट पत्ता समझ ले पुत तू पत्ता सुट ते रविदास ने कहा मैनू ते खेडण नू दिल नहीं सी करदा तुसी ऑफर कीता तुसी पहला पत्ता सुटो किनू कहा रब नू शाबाश रब नू ते रब ने एक पत्ता सुटिया वो कहिंदे मैं पत्ता सारे संसार अगे सुटिया मोह दा ते सारिआं नू मोह दे विच फसाया मैं पहला पत्ता सुटिया आखो वाहेगुरु केड़ा पत्ता फसे हो कि नहीं बोलना पैण
फसे हो कि नहीं। ऐसा पत्ता पहला ही सुटिया मनुखता दे अगे सारा संसार ढेरी करके रख लिया, सारा का सारा समाज मोह माया च फसिया पिया, पहला पत्ता है रब का। ते इन्हें संसार दे गिजे गिजे ने रविदास अगे भी ओही पत्ता सुटदा कहता, ते पत्ता सुट के ते कहिंदे मैं तेनू मोह च फसा लिया। ते शब्द आप जी सुनदे हो भाई साहब नूं ते बाणी आउंदी होनी, जो हम वधदे मोह फास नहीं आउंदी नहीं। अच्छा बाणी कंठ करो गुरु के सिखो मत्था टेको। फिर मैनू ये पीड़ा है भी मैं ये जो कहना मैनू भी शर्म आउंदी भी गुरु नूं मत्था ते टेकना ही है, मगर मत्था टेकन तो अगों गाओ सुनो पढ़ो नित पाई वो किन्ने करने। बाणी कंठ करो, बाणी के प्रेमी हो, बाणी दे वाकब हो, आखो वाहेगुरु। जो हम वधदे मोह फास, जे तू सानू मोह दी फांसी च बन लिया है ते हुण रब कहिंदा रविदास जी तुसी पत्ता सुट्टो, ते रविदास कहिंदा चंगा जे बहुती गल आ जीत नहीं करदा तेरे नाल खेडण नूं, तू रब मैं तेरा सेवक है, चल कोई गल नहीं जे हुण सुट्टण दी वारी आ गई। हम प्रेम बंधन तुम बंधे, असी प्रेम दा बंधन पत्ता सुटिया, तू सानू मोह च फसाया। कुछ बोलो जी अमृतसर वाले, हो बड़ा निराश हो रहा मैं। राती बंबे इस वेले ओ उथो तक अखंड कीर्तनी आलियां दा प्रोग्राम सी, ते बंदे ते बंदा चढ़िया सी, नाल जुड़ जुड़ के बैठे लोकी रस पीणदा सी वाहिगुरु दे रस दा। तुसी उस नगरी दे रहण वाले हो जिहदे चरण धूड़ी लई भी लोकी तरसदे ने, मगर बाणी तो वांझे ना रह जिओ चंगी तरह। हम प्रेम बंधन तुम बंधे, जे तू सानू मोह च बंधा ते असी तेनू रब नू कहण दे असी तेनू प्रेम च बन लिया। ते पता किड्डी सोहणी भाषा है, अपने छुट्टण को जतन करो। रविदास कहिंदा फसा लिया तेनू रब नू कह रहा, अपने छुट्टण को जतन करो। साडे कोल ते इक जुगती हैगी भी असी ते अमृत वेले उठांगे, इशनान करांगे, रब दा नाम जपांगे ते तेरे मोह माया दे विचों निकल जांगे। मोह माया के संग ना लेप, बाणी नहीं होंदी थी ओ मोह माया के किस तरह मन में राखे हर हर एक, अंधकार दीपक परगासे, नानक भरम मोह दुख तह ते नासे। साडी जिंदगी जो भरम भी भजूगा मोह भी भजूगा जो असी वाहिगुरु की आराधना करांगे। हुण तुसी दसो रब जी, पता लग रहा जी, हुण तुसी दसो रब जी भी असी ते तेरी आराधना करके छुट जांगे, बज दोनों गए हां, असी मोह च बज गए हां, तू प्रेम च बज गया, हुण तुसी दसो। अपने छुट्टन को जतन करो, हम छुट्टे तुम आराधे। ये ऐसे भगदियां कहानियां जिहड़ियां रब नाल सिद्धियां कीतियां। अगे जाके एक होर कहानी है, चोट वजन दो इत्थे रहो तुसी ना मैनू निराश करो, अख वेहो सुचेत रहो। अगे जाके रब कहिंदा भगत रविदास नूं भी तू गल्लां बड़ियां खरियां करदा है, इतना नहीं बाणी पढ़ी जांदी ना कोई ज्ञानी कहिंदा, क्योंकि डर आउंदा है रब दियां स्पष्ट गल्लां सुनाउण ते सुनण विच रब डर आउंदा है। अगे जाके रब कहिंदा भगत रविदास नूं भी गल्लां बड़ियां उत्ते दियां करदा है, मेरे नाल भी सिद्धा हो गया, मेरे नाल भी तेरे डायलॉग इतना दे जिस तरह आम बंदे नाल गल्लां करी दियां, तेनू पता नहीं मैं रब हां, कोई लग गया जी पता की आख्या, तेनू पता नहीं भी मैं अगे जिहदे नाल तेरा बाजी चल रही मैं रब हां ते मैं तख्त ते बहण वाला हां। बैठ जो वकील साहब लैने ने, सुनो हां मैनू खुशी होगी जे तुसी खुद प्रबंधक सुनो दे मैं की हां रब हां
ते मेरे नाल बड़ियां फरैंग गल्लां करी जांदा है। लोकी ते मैनू जी जी करके नक रगड़ रगड़ के घ्यो चढ़ा चढ़ा के जोतां जगा जगा के फुल चढ़ा चढ़ा के मेरे अगे अखां चखां नहीं पाउंदे, तू मेरी अखां चखां पा के गल्लां करन दे आए। ते भगत रविदास दी बाणी पढ़िओ, खुद ज्ञानियां कोलों ना सुणिओ। ज्ञानियां ने पूजण वाली जगह बनाती, ज्ञानी अखां चखां नहीं पाउंदा। अख वाहिगुरु, ज्ञानी दी कथा करनी इक किरत आ, ज्ञानी का एक काम आ लच्चेदार स्टोरी बना के सुना के ताड़ा टाइम पास करना। मैं कहना उत्ते अखां चखां पै गई। तो भगत रविदास ने जो कहा भी बड़िया गल्लां फ्रेंडली करना है, तेनू पता नहीं मैं रबिया। तो भगत रविदास जी भाई साहब नूं पुछना जा आप बाणी पढ़नी, उत्थे लिखिया भगत रविदास ने आखिया भी जेडे तख्त ते तुसीं बैठे हो ना तुहाडे बाप दा नहीं कह सकदा कोई। बोलो जी, रब नूं कोई कह सकदा? आपन बापे नहीं किसी को, इतना जी बाणी भी यह तख्त किसे दे? डरदे हो तुसीं भी अमृतसर वाले भी, उत्थे लिखिया है, पढ़ लियो। इतना आपन बापे नहीं किसी को, तुसी वकील हो, तानू तो पता होना भी सिद्धांत दे अगे सब कुछ नियम है, कानून दे अगे सब कुछ नियम है। कानून दे विच जो ये गल लिखी है भी ये तख्त किसे दे बाप दा नहीं, भावन को हर राजा, इत्थे भावना वाले दा राज आ। तू तख्त ते बैठा है, कल नू असी आराधना करके तेरे वाली जगह ते आण के बह सकदे आ, बैठे के नहीं आनंदपुर साहब की धरती से। जेडे तखत ते कल तक गुरु गोविंद सिंह साहब बैठे से, जिदन खालसे की भावना बन गई, खालसा प्रेम च भिज गया, तो उन्हें आख्या एक सिर लैके आओ, तो भावना च इन्ना गड़ोच हो गया सिर जाके अगे रख दिता, लो जी लै लो सिर। उन्हें कहा कोई गल नहीं, जे सिर देता ही ना इस तख्त ते अज तो तू बह जा। बालिया नहीं गुरु के सिखा, अज का खालसा साजना दिवस मना रहे हो, गुरु के सिखो तुसी ते मैं सिद्धांत भुले ते लुड़ गए। इन्ना क चेता कर दे अमृतसर वाली मेरिया भैन बचिया, तुसी ते एस स्पीकर कोल जिहड़ी मेरी भैन चश्मे वाली बैठी, इन्ना क चेता तुहानू हैगा भी असीं रुल चुके हैं। सिख मनते हो कि नहीं गुरु की जुरी, क्यों रुलिया? अजकल वेख्या पतझड़ की रोता ही पतझड़ की, तो सड़क दिया सड़क कहदे ना भरिया टुटे पत्तिया ना, इत्थे भी बाजारा दे बाजार कहदे ना भरे टुटे सिखा ना, जिहड़े रब दे सिधांत तों शराब की बोतल घर च आ गई आईया नहीं। राती बंबे मैनू किसी ने परची रखी सी, पाप किहड़े ने? आखो वाहिगुरू, गज के बोलो ना, सुन हो गए चुप हो गए उच्ची बोलो ना, किहड़े की पुछया? पाप किहड़े ने? ते मैं भाई गुरदास जी दे पाप गणाए। भाई गुरदास ने लिखिया ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी दा कतल सब तो वड्डा पाप आ। ब्रह्म ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਆ। ਗਾਈ ਗਊ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਪਾਪ ਆ। ਵੰਸ਼ ਘਾਤ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਪਾਪ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਰਾਜ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜ ਭਗਦੇ ਹੋ? ਕਦੀ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਾਈ ਤੇ ਵੰਸ਼ ਘਾਤ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ ਜੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲੋ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਾਈ ਤੇ ਵੰਸ਼ ਘਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਧੀ ਮਾਰਨੀ ਜੇ ਤੋਂ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ। ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰੇ, ਕਰਾਰੇ ਮਨੇ ਕਰਾਰੀ ਚ ਪੇੜੇ ਜੋ ਤਗੜੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ? ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਮਦ ਪੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜੂਆ ਖੇਲ ਤੇ
ये पाप लिखे भाई सब सारे करके सिख फिर सिख क्योंकि सोने का छब्बा लेके आया सरोपा मिलूगा नहीं पता लग रहा खिंड गए वो तानु जी नहीं प्रबंधक को ना टेक के सुनो जेड़े बंदे ने शराब भी पी ली धी भी मारता है अख वाहगुरु धी भी मारती ब्राह्मण भी मारता गाय भी मारती ये सारे पाप भी किए तो फिर एक सोने का छब्बा लिया के गुरु रामदास के दर से चढ़ावे प्रवान करना चाहिए एको गलती हुई सी महाराजा रणजीत सिंह को आख्या सी अज यदि कड़ा प्रशादी देख इतने प्रवान नहीं होगी क्योंकि यह गुनाहगार है यार ताडे शराबां दे गुनाह तियां मारन दे गुनाह को कर्म करन दे गुनाह करन तो बाद भी ताडे सोने दे छब्बे गुरु रामदास ते चढ़ दे किते ते स्क्रू ढिले हो गए इन्हां स्क्रूआं नूं कसना पैना है अपनी जिंदगी च रहत प्यारी मुझको इस गल ते आउणा पैना है रहनी रहे सोई सिख मेरा ओ साहिब मैं उसका तेरा रहत ते आउणा पैना नहीं तो उन्होंने भी कोई काली नहीं जे तुसी कहो वेखो जी रब को भी तो टाइम थोड़ा है ना 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 ना, ना आद सच जुगाद सच है भी सच नानक वो तो जुगा तो सच की मूर्त है ही है भी सच रही दुनिया तक उन्हें झूठे अद्धे कितने टिको गए शराब पीने वाले सिख नूं गुरु नानक अपने घरों बाहों फड़ के बाहर कढ़ दिंदा ये तुहानू किसे ज्ञानी ने नहीं कहना डर है सारिआं नूं डरदे ने सारे सच डरदा नहीं हुंदा झूठ डरदा है आखो वाहिगुरू इत्थे मैं आप तुसी मेरी उम्र दे हो गए पिछे बैठे बाबा जरनैल सिंह साहब नूं एक बार जाण के आख्या बाबा जी कालियां नाल मीटिंग कर लो आखो वाहिगुरू तुसी थोड़ा जिहा पकड़ लिओ कालियां नाल ओह कहिंदे उहनां नूं भेज दिओ किन्ना नूं अकालियां नूं मेरे कोल भेज दिओ कहिंदे जी ओह 15 दे 15 टॉप क्लास आलिए बैठे ते गल्लां करन डए ने भी जरनैल सो कल्ले दे सामने जाण लग्या पैर कंबदे ने वाहिगुरू क्यों कंबदे झूठे सी ते सच दे फनियर सप अगे जाण तो पैर कंबदे सी गुरु कह सिखा सच दे सामने झूठ टेक नहीं सकता खैर मैं उत्थे चला आखो वाहिगुरु गज के बोलो किन्ने दिने जी आपां पाप ब्राह्मण गाई वंश घात अपराध करा रहे ते मद पी चार हो गए शराब पी गए जुआ खेलते 5 हो गए जोहन पर नारे पराई औरत वाल वेंदे कहिंदे ए भावें करोड़ जन्म लैके माफी मंगे ए गुनाह करन वाला बंदा भाई गुरदास जी कहिंदे ए हत्या मूल ना उतरे ए जिहड़ी हत्या है ना शराब पीनी पाप गां मारनी धी मारनी ए जिहड़े पाप आ भावें किसे पानी च जाके इशनान कर ले ए पाप नहीं जे लगते फिर मेरे साहब ने आख्या आखो वाहिगुरू ए ते तेरे ते मेरे बाप दी गल नहीं जिन्ने प्रेम कीता जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो जेड़े पंथ साजना खालसा दी रीझ लैके मेरे वीर वकील जी तुरे इन्हां दी इत्थे संस्था तुरी मैं चाहना हर गली च हर महल्ले च प्रोग्राम होण ते एक एक घर विच सिख कट्ठे होके जाण जेड़े अमृतधारी ने प्रोग्राम करा देना काफ़ी नहीं हुण तुसी अपने इलाके की एक लिस्ट बनाओ साढ़े इलाके दे विच अमृत किन्नियां ने छकिया है जिन्हां नूं अमृत बारे शंके ने उन्हां दे शंके निवृत्त करो छोटे छोटे शंके ने ठंडे पानी नाल नहा लईदा जी उन्हें कहा हाँ जी गर्म पानी नाल नहीं नहा सकते जी ना 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 ना, ना। अमृत भंग हो जो पानी दे ठंडे तत्ते होण नाल कोई अमृत का संबंध नहीं जे को बीमार है तो गर्म पानी नाल नहा सकता है मगर इत्थे बाबिया ने इन्हां चौधरियां ने अमृत नूं हउआ बना के रखता ये हउआ नहीं सी एक प्रेम की खेड़ सी
आखो वाहेगुरु। हवा बनाउन करके लोकी टुटदे 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 साड़ी नौजवान पीढ़ी दे खास करके टुट गए। असी नहीं अमृत छकना जी। आ गल इतना गुरु क्या सिखा, एक कड़ी आ रब दे विच गुरु विच ते सिख विच उन्हूं कहिंदे प्रेम। ते प्रेम विच भावे आ बचन मन के गुर सतगुर का जो की करिया करे, सो भलके उठ उदम करे भलके प्रभाती, इशनान करे अमृत सर नारे, चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहिंदियां उठदियां हर नाम त्या। बेनती करके हुण मेरा टाइम हो गया, मैं समाप्ति करा। गुरु क्या सिखा, दो शख्सियतां नूं अज तुसीं याद कीता, एक भगत रविदास नूं, उहदी भी भावना सी सिस्टम बदले। असी सिस्टम दे नाल तुर पए हां, अज दा सिस्टम भी उही आ। आखो वाहिगुरु। अज भी एक कम्यूनिटी नूं दबाया जा रहा, जिन्हां दिनां च गुरु गोबिंद सिंह साहब जी आए उदों भी एक इस कम्यूनिटी नूं दबाया जा रहा सी। मेरा गुरु कहिंदा कोई किसी नूं ना दबावे, सारे सभे सांझी वालस दायन, तू किसे ना दसे बाहरा जीओ, सारे लोग सुखी वसण। गुरु गोबिंद सिंह भी सिस्टम नाल चढ़े ते चार पुत शहीद कराए सिस्टम नाल लगे, क्योंकि सिस्टम होर सी। गुरु कहिंदा सी मैं बदलना है। रविदास दे सामने भी सिस्टम होर सी ते रविदास कहिंदा सी सिस्टम नूं बदलना है। आ मंदिर दी गल चली, मुबारक का कोई मंदिर बनावे, आखो वाहिगुरु। मगर तुसी सोचो, तुसी जिस स्टेज ते खलोते हो सिख, तुसी उस स्टेज ते हो, कह कबीर राम गुण गाओ ते हिंदू तुर्क दोनों समझाओ। हां जी, परकर्मा की सेवा वाले वीर जी, हिंदू तुर्क ते असी हिंदू वाल हो गए ते तुर्क दे वालो मुंह मोड़ लिया, असी सांझे ते ना रह गए, नहीं पता लग रहा, असी सांझे ते ना रह गए। साडा गुरु वो आंदे होणगे जे सिख सांझा नहीं, एक पक्ष खलो गया ते इन्हां दा गुरु भी कितने एक पक्ष ही हो। मेरा गुरु ते दोवां दा ही आ, हिंदू तुर्क का साहब एक। बोलो हां उच्ची बोलो, ओदा भी साहब ओहो ही आ ते हिंदू दा भी साहब ओहो ही। असी एक पक्ष खलो गए, सानू सिस्टम दे नाल नहीं सी तुरना चाहिदा, सगो उस पक्ष नूं कहना सी गर्भवास में कुल नहीं जाती। समाप्ति कर लो। गर्भवास जदों बच्चा गर्भ च हुंदा उदों किहड़ी कुलदा हुंदा, इत्थे गुरबाणी च लिखिया गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती। एक ब्रह्म दी बिंद चो सारा जगत पैदा होया, ये सानू कहना चाहिदा सी नहीं? बंगला साहब तो मंजी साहब तो कहना चाहिदा सी, बोलो जी, साडा धर्म नहीं सी? जिन्ने दिन ये डिबेट चल रही सी मंजी साहब तो एक कथा हुंदी भी कोई है यार क्यों लड़ी जांदे हो, आखो वाहिगुरु। होनी चाहिदी सी ना, एक शब्द नहीं बोलिया गया, जबान ते ताले लग गए, तुहाडी ते नहीं लगे, तुसी गुरु ग्रंथ साहब दी ते लाते, वो गल ही ना कही जिहड़ी कहनी चाहिदी सी। ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती। आपां ना पुछिया ब्राह्मण दी अखा च अखा पाके, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तब आन बाट काहे नहीं आया, रस्ता ते तेरा भी ओ ही रस्ता मेरा भी हो, केड़ी गल्लों तू ब्राह्मण ते केड़ी गल्लों मैं शूद्र। इत्थे शूद्र दी ते ब्राह्मण दी लड़ाई सी रविदास दे वेले, कबीर जी दे वेले कहिंदे तू निक्की जात है असी उच्ची जात है, इहो कहिंदे सी, जो तू ब्राह्मण तो आन बाट काहे नहीं आया, तुम कत ब्राह्मण, इहदा मतलब आ तू केड़ी गल्लों ब्राह्मण, हम कत शूद, केड़ी गल्लों मैं शूद्र हां, हम कत लोहू असी कदों लहू आ ते तुम कत दूध, लिया बलेट मार के वेखीए दोवां दे विच, जे ते तेरे चो दुध वगया ते मैं मनूंगा आपां वखरे हां, मेरे चो खून वगया ते आपां मन्नांगे वी असी वखरे वखरे हां, दोवां चो लाल खून निकलिया एक कौली च पा दांगे, दसांगे फिर तेरा शूद्र दा ते ब्राह्मण दा खून वखरा वखरा कितना है। ये लिखिया साडी बाणी च, ये असी कहना सी समाज नूं, कहना सी नहीं? दसो कोई मुकदमा जितना हो, मुकदमा हारना हो, दलीलां देंदे हो ना, साढ़े कोल दलीलां नहीं सी हैगियां।
मनुखता नु समझाउण साडे कोल दलीलां नहीं सी हैगियां। पता लगे पुत्र समाप्ति करना का। तुम कत ब्राह्मण हम कत शूद, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। आख्या कबीर जी तुसी दसो फिर कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है। कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे, बोलो हबला। ऐ चमड़ी नाल संबंधित ना होवे जिहड़ा ब्रह्म दी विचार करदा होवे। कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे, सो ब्राह्मण कईयत है हमारे। ओ ब्राह्मण बाबा कबीर कहिंदा मैं ओनू ब्राह्मण मानदा जिहड़ा ब्रह्म दी विचार करदा है, जिहड़ा कहिंदा नीवे च भी ओह बैठा है, उच्चे च भी ओही बैठा है, माड़े च भी ओही बैठा है, चंगे च भी ओही बैठा है। ऐसे भगत दे आगमन दियां तुहानू लख लख वधाइयां। सतगुरु कृपा करे तुहानू उच्चा ते सुच्चा जीवन बख्शे। अमृतसर साहब बस मेरा सतगुरु तुहानू उच्चा ते सुच्चा जीवन बख्शे। अमृतसर साहब वालियां नू वहिमा भरमा, इधर वेखो किधर चले गए, वहिमा भरमा तो मेरा सतगुरु तुहानू बचावे। तुसी आखो जी अमृतसर वालियां नू वहम भरम कोई नहीं, मैं मेला आया सड़क ते चार चार इटा रख के कबर बनिया। अमृतसर के लोग भी मत्था टेकते कबर, पिपलां नू मत्था टेकते अमृतसर के वासी। गुरु रामदास जी अमृतसर विच जोत जगावे, और जिहड़ा गुरु रामदास की शब्द की जोत जग रही है उस तो आपां दूर हो रहे हैं। इटा नाल जुड़ रहे हैं, कबर नाल जुड़ रहे हैं, पिपलां नाल जुड़ रहे हैं। गुरु का सिख कोई पत्थर की मुंदरी ना पावे, कोई गुरु का सिख मौली लैके कितों ना पावे। गुरु का सिख हाथ सरबलो का कड़ा पावे ते सिर गुरु ग्रंथ साहब अगे नवावे। पुला ना चुतारे जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।